जहां कोरोना काल में एम्बुलेंस का अकाल पड़ चुका है, वैसे में बीजेपी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी के आवास पे दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंस जो है वो धूल खा रहे हैं। जिस एम्बुलेंस की सुविधा अभी मरीजों को मिलनी चाहिए वो आज राजीव प्रताप रूडी जी के यहाँ लगे हैं। क्या ये सही है, बताइए हमें। इसे देखते हुए पप्पू यादव ने अपनी एक कार ड्राइवर सेना तैयार की है, जो कि प्रताप रूडी की 1.5 साल से पड़े एम्बुलेंस को आज चलाएगी। आज पप्पू यादव की टीम छपरा के लिए रवाना होगी। दिल्ली से लेके पटना तक मैंने जेब से पैसे से हम देते हैं, वो है। सब सिविल सर्जन को पूछ लीजिए कितना एम्बुलेंस पप्पू यादव अपने पैसे से दिए। हर यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए बस पड़ी। हमको दिक्कत नहीं है अभी भैया, तो हम 18-19 लाख की बस है। दिल्ली में 4 एम्बुलेंस, लगभग शहर में एम्बुलेंस जितना और यूनिवर्सिटी को है। ये देखिए, ये गडकरी जी उद्घाटन किए हैं, ये गडकरी जी ड्राइविंग, ये जो है ये पहला भारत का एक चालक प्रशिक्षण संस्थान उद्घाटन, कुशल चालकों की कमी, सुरक्षा, प्रभावी परिवहन क्षेत्र के संभावित रोजगार अवसर पैदा करने के लिए। ये देखिए, ये एनएच पर उद्घाटन हो, और जब आपका सबसे पहले उद्घाटन हुआ तो ड्राइवर की कमी कैसे हो गई? पहला 5-6 सवाल है मेरे रूडी जी से। जब आपने खुद करोड़ों का पैसे का लागत से शुरू हो गया प्रशिक्षण की, आपने ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र बनाया, भारत सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, रूडी जी खुद सभी लोग उद्घाटन किए, तो एकलौता प्रशिक्षण केंद्र बंद क्यों हो गया? क्यों, पैसा कहाँ गया? एक दूसरी चीज, रूडी जी से मेरा आग्रह है कि आप गाली दें हमको, राजनीतिक हैं, मैं ऑडियो नहीं सुनाऊंगा। एक ऑडियो में ना तो उनके लोग कह रहा कि अब अंतिम है उनका, गाली गलौज तक है, वो जरूरत होगी तो मैं आपको सुना दूंगा। उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है वो गाली गलौज कर रहे हैं कहीं फोन पर। जितने अभ्रम शब्दों का, यदि मुझे गाली देने से और पप्पू यादव को मरवा देने से यदि एम्बुलेंस फ्री हो जाए बिहार में और दवाई और नर्सिंग होम, तो मरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही आत्महत्या कर लेंगे। आप चिंता ना करिए, या हम ही संन्यास ले लेंगे, बिहार छोड़ देंगे, कसम खा लेंगे कि कभी हम आएंगे ही। तीसरी चीज, उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारे और एम्बुलेंस चल रहे हैं, ये एम्बुलेंस ड्राइवर का नहीं। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, डीएम इसके ऑथोरिटी स्लिप होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं, आप इसको कहीं कैसे लगा सकते हैं? आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, आप इसको किसी पंचायत में निजी लोगों के घर पे नहीं दे सकते, किसी मुखिया के हाथ में नहीं दे सकते। आप या तो सदर अस्पताल में होगा, या तो ब्लॉक के अस्पताल में, या तो पंचायत में कोई सरकारी अस्पताल है तो वहां के द्वारा यह संचालित होगा। तो ये जिम्मेदारी ड्राइवर रखनी और ड्राइवर नहीं रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बार बार कहता हूं कि इच्छा शक्ति की कमी है नेताओं के भीतर, नियत सही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है इन नेताओं के भीतर कि कब हमको क्या करना चाहिए। जब मरने लगेंगे तो डॉक्टर की बहाली है, सार 18 के बाद आज तक बहाली नहीं हुई। ड्राइवर ये कहते हैं कि प्रशिक्षित ड्राइवर, जब लाइसेंस किसी ड्राइवर को मिलता है तो वो प्रशिक्षित हो जाता है। किस ड्राइवर को हैवी लाइसेंस की जरूरत है और किसको नहीं जरूरत है? चौथी चीज,
ये अपने ऑफिस में हम और अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके जयप्रभा अस्पताल जहां सरकार का पैसा लगा उसको इन्होंने कार्यालय बना लिया। कभी डॉक्टर और कभी एक भी वहां कर्मचारी नहीं रहे। इनसे पूछिए कितने दिनों से वहां मिलस लगा। और आज अभी हम आग्रह करेंगे, हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी तैयार हैं 40 ड्राइवर को लेकर के लाइसेंस के साथ, कहां पर ड्राइवर भेजा जाए प्रेमचंद सिंह जी का नंबर हम ओपन करने जा रहे हैं। 9334123 7022 जहां भी सरकार का एम्बुलेंस ड्राइवर के बगैर खड़ा है आप प्रेमचंद सिंह जी को टेलीफोन करें, ड्राइवर मुहैया ही करें। हमारे ड्राइवर सारे तैयार हैं। किस वक्त रूडी जी को ड्राइवर चाहिए प्रेमचंद सिंह जी को फोन कर लें, उन्हीं के परिवार उन्हीं के घर के। हमारा कोई मतलब नहीं था रूडी जी को हाथ करने का, मैं दिल से कह रहा हूं। हमें जानकारी मिली वहां एम्बुलेंस लगा था, मैं चला गया, जबकि मैंने पहले ट्वीट किया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और तब वहां से एम्बुलेंस को पीछे लगा दिया गया। हमें जानकारी मिली कि वहां एम्बुलेंस है, इसीलिए हम गए। हम रूडी जी हमारे लिए टारगेट नहीं हो सकते, और जो व्यक्ति हर पेशेंट को उठाता हो छूता हो, जिसकी जिंदगी मौत के साथ जूझती हो, राजनीति क्या करेगा जो हल पर शमशान जाने की तैयारी करे। और अब तो उनके लोग धमकी दे रहे हैं कि उल्टा गिनती शुरू हो गया पप्पू यादव, जब वो जरूरत होगी तो वो ऑडियो मैं दूंगा आप लोगों को। आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंक्वायरी, पैसे का गमन, सिविल सर्जन पर केस, और संबित पात्रा जी बताइए, पप्पू यादव के पास 2 वेंटिलेटर था, मेरे अपने पैसे के बपोती, तो आपके पेट में दर्द हो रहा था, जल्दी अस्पताल भेज दीजिए, जबकि 6-6, 7-7 वेंटिलेटर अस्पताल में भेजा हुआ हूं। जहां से इमरजेंसी होती है पप्पू यादव भेजते हैं, और क्लियर है मेरा फादर हो या कोई, मोदी जी हो या नीतीश जी, जब सिस्टम के द्वारा इंसानियत और आम आदमी को मारा जाएगा तो पप्पू यादव मरने की तैयारी करेगा। हमें मरने से कोई डर नहीं, इसका जवाब दे दें। नीतीश जी से आग्रह करेंगे इसकी पूरी इंक्वायरी हो। एमपी लैड्स का गाड़ी घर में कैसे, प्राइवेट जगहों पर कैसे, और ये सारे ड्राइवर तैयार, लाइसेंस ड्राइवर है, अविलंब इसकी सरकारी नौकरी लगे। सरकार जहां कहेगी सरकारी नौकरी के लिए हमारे ड्राइवर जाने को तैयार। और कुछ पूछना हो तो